सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल मार्केटिंग चैनल को, देखें ऐसी वीडियोस। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अलग होगी। अलग ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो गाइस, सिंपली आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, कुछ इस तरीके का आपको फ़ोटो क्लिक करना है। सेल्फी स्टिक से ब्लू लाइट आपके फेस पे आनी चाहिए, और ये आप थोड़ी सी रात में, जितना नाइट में हो सके उतना नाइट में शूट करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे शूट कर लेने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वीडियो में मैं आगे बताऊंगा क्या क्या करना है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर चैनल पर नए हो तो आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी एडिटिंग की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइस, मैं कर्व में जाके सबसे पहले इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करूँगा। देखिए, मैंने ब्राइटनेस कम कर दी है, अभी से वो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए, ब्राइटनेस कम करने के बाद हम स्टिकर्स पे जाएंगे। स्टिकर्स पे जाके आप ब्लू लाइट सर्च कर सकते हैं, ब्लू लाइट या ब्लू रेज, कुछ भी आपके हिसाब से। मैं ब्लू लाइट सर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा टफ मिलेगी पर बहुत ही अच्छी लाइट। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपन आगे इसे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, ब्लैक एंड वाइट कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा इस, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके फॉलो करो। मैं रोज रेगुलर एक पोस्ट करता हूँ मेरी एडिटिंग की, तो गाइस वहाँ पे भी जाके देखो और विजिट करो, और अच्छा लगे तो फॉलो करो। तो गाइस देखिए, मैं ढूंढ रहा हूँ वो रेस, मुझे मिलती है वैसे मैं क्लिक करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए जब तक आप। देखिए गाइस, मुझे मिल चुकी है ये लाइट। तो इसे मैं सिलेक्ट करके मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी आप फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइस देखिए, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी करेगा। देखिए अब से कितना अच्छा लग रहा है फोटो। गाइस, इसमें लाइटनिंग पे छोड़ देंगे हम, ताकि हमारा जो मॉडल है वो दिखे इस लाइट में, या डार्क पे करेंगे तो वो दिखेगा नहीं। अब हमें जाना है ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स में जाना है। सॉरी, पर एडजस्ट में जाके इसकी ओपेसिटी और ये सब कम करेंगे। आप ब्लैक एंड वाइट डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने इधर सैचुरेशन से करा था ब्लैक एंड वाइट कम। इससे मैं थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी बस। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है वो फोटो। और गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। तो गाइस देखिए, मैंने किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट कर दिया है फ़ोटो को। और उसके बाद हम जाएंगे स्टिकर्स पे, ऑरेंज या ऑरेंज लाइट या सन, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। और जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट है उस पर हमें इसे रखना है, स्ट्रीट लाइट की लाइट पे इसे रखना है, और इसे कर देना है हमको ब्लाइंड। ब्लाइंड तो आपको पता ही होगा, अगर आप इस कार्ड यूज़ करते हो तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है। ये देखिए, मैंने कर दिया इसे ब्लाइंड, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये अलग से टोन आ रहा है, पीछे से भी कुछ चमक रहा है लाइट में। फिर गाइस, आप कुछ एडिशनल भी ऐड कर सकते हो। ऐसे मैं थोड़ा सा इसे हॉरर टाइप बना रहा हूँ, तो मैं कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे हाउस हो गया, हॉरर हाउस, उसे मैं ऐड करता हूँ कहाँ पर अच्छा लग रहा है वो देखते हैं। मेरे हिसाब से यहीं पर अच्छा लगेगा वो, इसे ब्लाइंड करके भी देखूँगा मैं। रुकिए,
कहाँ पर हो सकता है ये? हाँ यहाँ पर हो सकता है ये, मतलब इसके राइट साइड पे। हाँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये देखिए कितनी शानदार। अब हमारी फ्रेम बहुत ही सही हो चुकी है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।